छिंदवाड़ा में पटवारी संघ की चल रही हड़ताल में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ पहुंचे। उन्होंने पटवारियों की मांगों का समर्थन किया। साथ ही कमलनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर पटवारियों का वेतनमान और ओपीएस लागू किया जाएगा। पूरे प्रदेश में पटवारियों की हड़ताल जारी है। पीसीसी चीफ कमलनाथ छिंदवाड़ा में पटवारी संघ के धरना स्थल पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने पटवारियों की मांगों का समर्थन किया। कमलनाथ ने कहा कि मैंने आप लोगों की बात सुनी, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि 25 सालों से आप अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी आपकी कोई मांग नहीं मानी जा रही है। आप चिंता मत कीजिए, अब आपको सिर्फ 3 महीने इंतजार करना पड़ेगा, कांग्रेस सरकार आते ही आपकी सारी मांग मान ली जाएगी। ये बोर्ड देखकर मुझे जरा ताज्जुब हुआ कि 25 साल से आप लोग ये संघर्ष कर रहे हैं, अब तो आपको 3 महीने इंतजार करनी है। आपकी 25 साल पुरानी मांग जो ग्रेड की है, 2800 ग्रेड की, ये हमारी सरकार बनती है, हम इसका आदेश देंगे, क्योंकि ये आदेश देने की बात नहीं है, ये न्याय की बात है। और पुरानी पेंशन स्कीम जरूर हम लागू करेंगे। मैं तो कहता हूं कि 3,30,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया है, इससे फायदा किसको हुआ? पटवारियों को हुआ क्या? आउटसोर्स वालों को हुआ क्या? हमारी आशा उषा वालों को हुआ? ये 3,30,000 करोड़ रुपए का हुआ क्या? आप सब समझदार, 3,30,000 करोड़ रुपए लेके इन्होंने बड़े बड़े ठेके दिए हर विभाग, बड़े बड़े ठेके, ताकि कमीशन बन जाए। Rabindranath Tagore University Bhopal, only private university in MP to be NIRF ranked for 5 consecutive years. Jahan hai 600 se zyada company tie-ups for placements, Atal Incubation Center for nurturing startups, industry academia collaboration for exposure of real industry world, 20 centers of excellence for research, Sathi Global Festival Vishwarang mein shamil hone ka avsar deta hai. Rabindranath Tagore University, unlocking potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।